अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ विकास प्राधिकरण अपने नोटिस के मुताबिक आज न्यूटिमा हॉस्पिटल पर सील की कार्रवाई नहीं कर सका। पुलिस प्रशासन ने शहर में होने वाले कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए प्राधिकरण को आवश्यक फोर्स उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी। वहीं MDA की कार्रवाई का विरोध करते हुए आज शहर के तमाम चिकित्सक न्यूटिमा हॉस्पिटल पर जमा थे। यहां सभा को संबोधित करते हुए चिकित्सकों ने सवाल किया कि किसी घर में स्वास्थ्य संबंधी आपदा आने पर तीमारदार सपा विधायक अतुल प्रधान के पास जाना बेहतर समझेगा या फिर हॉस्पिटल। शहर के लोग अपने बच्चों को अतुल प्रधान जैसे नेता बनाना चाहेंगे अथवा चिकित्सक। यहां तमाम चिकित्सकों ने यह कहते हुए अपना दर्द व्यक्त किया कि उन्हें भी सपा विधायक अतुल प्रधान ने पैसों को लेकर धमकाया है। इधर उधर से आंदोलनरत चिकित्सकों को जानकारी आई कि MDA ने सीलिंग की कार्रवाई अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी है। इस पर IMA ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इससे जहां मरीजों ने राहत महसूस की है, वहीं कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठे सपा विधायक ने कहा है कि न्यूटिमा हॉस्पिटल को पिछले 9 साल से समय ही दिया जा रहा है। सबको मालूम है कि सीलिंग क्यों टाली गई है। सरकार की मंशा है कि इन लुटेरे चिकित्सकों से आम जन को यूं ही लुटवाया जाता रहे, लेकिन उनका यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। न्यूटिमा पर सीलिंग तो अंततः करनी ही पड़ेगी। किस वजह से टली है? 2014 से जो अस्पताल नक्शा पास कराकर MDA से बना था, उसने पूरा पालन नहीं किया और बेसमेंट से लेकर पूरी बिल्डिंग जो है गलत बनी हुई है, और इस कारण से जो है उसको सील किया जाना था और एक आध दिन का टाइम नहीं मिला है। पिछले 9 साल से उसको टाइम मिलता आ रहा है। यहाँ पर DM साहब के यहाँ से, MDA से और आपके कमिश्नर कोर्ट से, सब के सब से उसको जो है क्या नाम सीलिंग के आदेश हैं, और मुझे लगता है कि हाईकोर्ट भी अगर जाएंगे तो हाईकोर्ट भी सीलिंग के आदेश उसके देगा। लेकिन चूंकि प्रशासनिक जो अमला है और यहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं, अच्छा बताइए इतना बड़ा कौन सा काम है कि फोर्स नहीं मिली, ये कौन सा बड़ा काम है कि शिफ्ट किए जाने थे। जब 20 बेड का अस्पताल है तो उन्हें शिफ्ट करने के लिए 21 दिन का समय मिला था, लेकिन 21 दिन के समय में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसी चीज़ को लेकर आज मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सरकार की मंशा है कि गरीब गुरबा लोग जो परेशान दिक्कत में हैं, इन अस्पताल जो लुटेरे टाइप के अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, इनकी पूरी मंशा है कि इनको इसी तरीके से लुटवाते रहें। तो मेरा यही कहना है कि अभी चीज़ चलेगी, वो कहीं भाग तो सकती नहीं, ये समय दे सकते हैं लेकिन कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी उसके ऊपर। आज लोकदल के भी लोग आएंगे, अभी फ़ोन आया था सुबह, लोकदल के तमाम साथी आ रहे हैं अपना वो देने। और तीनों विधायक जो आपके साथ खड़े नहीं, क्या मानना? नहीं, लोकदल के विधायक भी आएंगे, नहीं वो भी हमारे साथी हैं। कहाँ हैं वो? नहीं है, नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आ जाएंगे। पार्टी पूरी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पूरा पार्टी की तरफ से लेटर जारी हुआ है, पूरा पार्टी का समर्थन है। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑफ इंडिया। आइए रुख करते हैं गढ़ रोड स्थित न्यूटिमा हॉस्पिटल का, जहाँ चिकित्सक विधायक अतुल प्रधान व MDA के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। एक रोग स्थिति हो जाएगा जहाँ पे केवल आके अपनी आवाज दो, हर जगह हर आदमी मरीज आज डॉक्टर पे जाएगा, पूरे शहर में इस बैनर लगा दो। प्रशासन क्या कर रहा है? उसने पूरे दिन लगे क्यों रहने दिया? एक दिन क्यों लगा हटने में? जब ये लग रहा था एक तरफ से, तभी क्यों नहीं कार्रवाई शुरू हुई कि दूसरी जगह लग ना सके? जहाँ तक एक अकाउंट का सवाल है तो हमारे अकाउंट हॉस्पिटल बिल्कुल ओपन है। हम लगातार GST भेजते हैं, इनकम टैक्स करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी नंबर दो काम नहीं होता है। तो हमें पूरा प्रशासन से सहयोग की उम्मीद है और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें सहयोग करे और जो हम काम ठीक करना चाहते हैं उसे हमें ठीक करने दे। आना है अपने आदमियों को, IMA हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे सचिव हैं, उनसे बात करें, न्यूटिमा वालों से बात करें जहाँ उन्होंने पंगा लिया है। तो मेरा एक सुझाव है, एक निवेदन है IMA के पदाधिकारियों से कि धरना स्थल पर जाने की तो सोचना नहीं। पहले मैं कह रहा था कि बात कर लेनी चाहिए, वो 3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, अब 6 बार रिक्वेस्ट करें तब बात करें। ये प्रशासन का काम है धरना कैसे खत्म हो। हम लोगों को उसने लुटेरा कहा है, लुटेरा शब्द वापस लेना पड़ेगा, तब तक हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे।
समाजवादी पार्टी के उन विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इसके साथ नहीं गए। आप नोट करो, इसके साथ वो लोग नहीं गए। उनकी मजबूरी थी कि वो हमको खुलेआम समर्थन नहीं दे सकते थे। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी लीडर्स का जिन्होंने हमारे लिए खुलकर समर्थन दिया। उसने उस खुलकर समर्थन देने के लिए हमको बीजेपी का हॉस्पिटल कहा, पर मैं गर्व से कहता हूं कि हाँ मैं बीजेपी का समर्थन हूं। मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं बीजेपी का समर्थन हूं और मैं बीजेपी को वोट देता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं कि तुमने जब तुमने विधायकी का इलेक्शन जीता तब तुमने एक कार खरीदी, दूसरी कार अब तुमने फिर बड़ी एसयूवी कार अभी तुमने फिर खरीद ली, फिर तुमने 20-25 बीघे जमीन तुमने अभी खरीदी। ये कहां से पैसा आ रहा है? मैं जानता हूं विधायकी में कितने पैसे मिलते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है। भाई साहब, हमारी संपत्ति की जांच कराओ, हमारे उस पर काम कराओ, हम टैक्स देते हैं। हम थोड़े दिन में जिसकी संपत्ति 75 लाख है वो 5 सालों में 5 या 6 गुनी कैसे हो जाती है? बिल्कुल सवाल उठना ही चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे स्टाफ का, मैं धन्यवाद करता हूँ सारे डॉक्टर्स का जो अपने नर्सिंग होम, अपने प्रतिष्ठान, अपनी ओपीडी बंद करके आए हैं। आप लोग की फोर्स के सामने, मतलब IMA और नर्सिंग होम एसोसिएशन की फोर्स के सामने कप्तान साहब की फोर्स कम पड़ गई है, तो कम फोर्स की वजह से VCMD ने अनिश्चितकाल के लिए अपनी कार्यवाही टाल दी है। IMA अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन ने मीडिया से वार्ता करते हुए यह कहा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन किसी भी दबाव में सीलिंग की यह कार्रवाई कर रहा है। देखिए, कल शाम को IMA मेरठ और नर्सिंग होम एसोसिएशन की कंबाइंड मीटिंग हुई और हमने यही बात डिस्कस करी कि हमने प्रशासन से सभी से यही डिमांड करी थी कि बस हमको कुछ समय दीजिए। ये केस हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में लंबित है और जो प्रक्रिया जो करनी होती है जिसमें कि ब्लड बैंक अगर शिफ्ट करना है या कोई हमें एक हॉस्पिटल का पार्ट दूसरे के शिफ्ट करना है तो उसके लिए कुछ समय मिलना चाहिए ज़रूरी। और ये लग रहा था ये किसी दबाव में आकर के इस तरह की जो प्रशासन है उसमें बहुत जल्दबाजी दिखा रहा है और उन्हें हमारी इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया जबकि हम 4 या 5 दिन से लगातार उनसे मिल रहे हैं। तो जब ये दिखाई दिया कि कल को हमारे ये ऐसी कार्रवाई होने वाली है तो हमने एक आकस्मिक जो इमरजेंसी मीटिंग IMA की और नर्सिंग होम एसोसिएशन करी और यह हमने निर्णय लिया कि अगर इस दबाव में ही काम होता है तो आज हम सब लोग IMA के लोग और नर्सिंग होम एसोसिएशन के लोग यहाँ न्यूटन में पहुँचेंगे और अपनी बात सबके सामने रखेंगे। और इस बात को देखते हुए कि यहाँ पर हम लोगों का कितना एक साथ सब लोगों का आना, एकजुट होना, यह दिखाता है कि हम लोग गलत बात नहीं कर रहे हैं। और इस बात को देखते हुए प्रशासन ने हमारी इस प्ली को अंडरस्टैंड किया है, समझा है और अब वो कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए उसको अब स्थगित किया गया है। इतने हमारे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी यहाँ का आएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शिशिर जैन ने यह बताया। ऐसा है, ये हमारी पिछले कई दिनों से प्रशासन में DM से, कमिश्नर मैडम से, VCMDA से लगातार बात चल रही थी कि आप हमें कुछ दिनों का समय दे दें। 15 से 20 दिन का समय हम उनसे मांग रहे थे, 15 से 20 दिन का समय हम उनसे मांग रहे थे। हमें पूरी उम्मीद थी क्योंकि हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी ये केस लंबित है कि हम वहाँ से कोई रिलीफ ला सकते हैं। और केवल एक हॉस्पिटल पे टारगेटेड एक्शन क्यों किया जा रहा है? मेरठ में बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत अवैध बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक विधायक के दबाव में टारगेटेड एक्शन अगेंस्ट न्यूटीमा किया जा रहा है। इसीलिए कल हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि अगर कल यहाँ सील लगाई जाती है तो हम लोग सील लगाने का पुरजोर विरोध करेंगे और हम पूरे मेरठ में हड़ताल करके चाबियाँ उनको सौंप देंगे। देखिए अतुल प्रधान जी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो आमरण अनशन पे कहीं भी बैठ सकते हैं, इससे कोई वो नहीं। देखिए हमारे पूरे मेरठ में इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं और भी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, इवन जो उनकी पार्टी के अपने नेता भी हैं या अपनी पार्टी के रफीक अंसारी या और विधायक भी हैं, वो क्यों नहीं धरने पर बैठे या वो क्यों नहीं आमरण अनशन करते हैं? देखिए ये तो उनका केवल राजनीति चमकाने का एक तरीका है और ये आज से नहीं, जब वो कॉलेज के स्कूलों के ज़माने में छात्र संघ के नेता थे तब से वो इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। और अब आपको पता है कि 3 राज्यों में तो हार के आए हैं ये लोग, भाजपा जीती है, अब वो ये चाहते हैं कि 2024 में आने वाले इलेक्शनों में शायद मुझे इस चीज़ का कोई लाभ मिल सके। वहीं डॉक्टर विश्वजीत बॉम्बे ने यह कहा, इस शहर में कौन सा ऐसा निर्माण है या कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें थोड़ी बहुत वायलेशंस नहीं है? MDA ने उसकी कंपाउंडिंग करके उसके बाद में उसको स्वीकृति प्रदान की है।
जब उनको डेंगू में ज़रूरत थी, जब उनको कोविड में ज़रूरत थी, L3 हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत थी, तब उस समय उनको न्यूटिमा भी याद आता था, तब वो हमारे पास आके कहते थे कि आप अपने, हमारे पास जितने भी ऑफिशियल्स आते थे और वो कहते थे कि इसको और बेड बढ़ाओ, इसमें इतने पेशेंट्स होने की ज़रूरी है। तब उस समय किसी को याद नहीं आता था, तब उस समय न्यूटिमा दिखता था, तब न्यूटिमा के डॉक्टर्स दिखते थे 12-14 घंटा करने, सेवा करने के लिए कोविड के दौरान। अब उनको कार्रवाई करने के लिए हम, तो हम ही क्यों, और पहला हॉस्पिटल हम ही क्यों? वो व्यक्ति जिसने कि अन्याय के खिलाफ, वसूली के खिलाफ, उगाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, उसको दबा दिया जाए, ये प्रशासन का रुख ठीक नहीं है। पिछले पाँच दिनों से हम प्रशासन के सामने गड़गड़ा रहे हैं, 21 दिनों से उनके सामने रोज़ कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारे को, हमको समय दो, हमारा कंपाउंडिंग करो, और उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि ताकि इनको, उगाही करने वालों को, वसूली करने वालों को और RTI करने वालों को, इनको मौका मिले, और ये अंकुश चौधरी जैसे और अतुल प्रधान जैसे लोग हमारे को ज़बरदस्ती हमारे से वसूली करते रहें और हमारे से ज़बरदस्ती क्या नाम है पैसा निकालने की कोशिश करते रहें। योगी जी से पुकार कर रहा हूँ, दरख्वास्त नहीं, पुकार कर रहा हूँ कि हमको आए, हमको बचाएं, हमको भयमुक्त वातावरण में सिर उठाकर जीने दे, जिसकी उन्होंने हमको गारंटी दी है, जिसके लिए हमने उनको वोट दिया। इस संपूर्ण प्रकरण का एक पहलू यह भी रहा कि मेरठ के इस चर्चित मामले में आज पुलिस प्रशासन, CMO, मेरठ विकास प्राधिकरण आदि से कोई भी अधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। सभी अनऑफिशियल तो बता रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन कोई भी बाइट देने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। इस खबर में बनी रहेगी हमारी बराबर, खबरों से अपडेट रहने के आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।